नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीत। स्वागत करता हूं आप सभी का जीत स्टॉक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 वर्जन के बारे में, जो कि लॉन्च होने वाला है और इसकी लॉन्चिंग डेट फिक्स हो चुकी है, कल ये लॉन्च होने वाला है। आज की इस वीडियो में इसकी तमाम फीचर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इस पर जो फोकस किया गया है वो है इसके तीन कैमरे, मतलब इसमें जो यूनिक बनाता है उसको बनाता है इसके तीन कैमरे, तो उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। इसके प्रोसेसर के बारे में, बैटरी के बारे में, रैम और इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ भैया बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो आती है ना वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए छोटी सी इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज जीत एंड वेलकम टू ऑल इन जीत स्टॉक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैमसंग स्मार्टफोन मार्केट में एक बहुत अच्छी कंपनी है और उसका जो वर्चस्व है ना वो सभी कंपनियों को बहुत ज़्यादा टक्कर देती हैं, और उसके बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जो बाकी कंपनियों से कंपेयर में थोड़ी महंगे होते हैं, बट इसकी जो यूनिक फीचर होते हैं वो सैमसंग को काफ़ी हटके बनाते हैं। आज की इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 मॉडल। जो A7 है ये पहले भी लॉन्च हुआ है बट ये है 2018 मॉडल, तो इसके बारे में बात करें तो शुरुआत करते हैं इसकी डिस्प्ले से। इस स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले होगी वो होगी 6 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले होगी, जो कि आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली है। साथ ही साथ इसका जो एस्पेक्ट रेशियो होगा वो होगा 18:5:9 का एस्पेक्ट रेशियो इस स्मार्टफोन में जो है आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ स्मार्टफोन में जो है ऑक्टा कोर चिपसेट का यूज हुआ है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.2 GHz होने वाली है। अभी भी ये डिसाइड नहीं है कि ये इसमें जो प्रोसेसर होगा वो कौन सा होगा, स्नैपड्रैगन 660 होगा या 840 होगा या जो भी इससे कम होने वाला है, तो ये अभी जो है कंफर्म नहीं है। इस स्मार्टफोन की जो खास है वो है इसके तीन कैमरे। इसमें बैक पैनल पर आपको तीन कैमरे सेंसर जो है मिलने वाले हैं और फ्रंट पर एक कैमरा दिया गया है। यदि बात करें फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट पर आपको 24 MP का बेस्ट सेल्फी एक्सपर्ट कैमरा मिलेगा, जिसका अपर्चर होगा 2.0 का, तो इससे आप बहुत अच्छी जो है सेल्फी क्लिक कर पाएंगे। साथ ही साथ ये AI बेस्ड हैं, तो आपकी बबल शॉट मतलब जो ब्लर होती है फोटो वो भी इससे जो है बहुत आसान तरीके से होने वाली है। अब बात करते हैं इसके रियर कैमरे की, तो रियर पर इसमें तीन कैमरे दिए गए हैं। फर्स्ट जो है 24 MP का है, सेकंड जो है 8 MP का है, और थर्ड जो है 5 MP का कैमरे दिए गए हैं। और इनकी अपर्चर की यदि बात करें तो 24 MP का जो कैमरा है वो ऑटो फोकस सेंसर, इसका अपर्चर होगा f1.7। यदि बात करें सेकंड कैमरे की तो ये 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर वाला f2.4 अपर्चर के साथ ये कैमरा मिलेगा। साथ ही साथ थर्ड कैमरे की यदि बात करें तो 5 MP का डेप्थ सेंसर होगा, जो कि अपर्चर होगा f2.2। यदि बात करें इसके वेरिएंट की तो ये दो वेरिएंट में लॉन्च होने वाला है, 4GB 64GB की इंटरनल मेमोरी के साथ, साथ ही साथ 6GB 128GB की इंटरनल मेमोरी के साथ। इसमें आपको कार्ड स्लॉट का एक डेडिकेटेड स्लॉट मिल सकता है, जिसमें आप कार्ड लगा के 512GB तक जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आप इसमें एक डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट का यूज भी कर पाएंगे, जो कि इस स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छा होगा। इस स्मार्टफोन में एक और यूनिक जो फीचर है वो है इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, मतलब इसका जो फिंगरप्रिंट होगा वो आपको साइड में मिलेगा। अभी तक आपने या तो फ्रंट पे देखा है या फिर बैक पे देखा है या इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखा है, बट इसमें जो है आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो इसमें जो है आपको 3300 mAh की बैटरी दी गई है, क्योंकि स्मार्टफोन इतना अच्छा है तो बैटरी तो आपको पावरफुल मिलनी ही चाहिए, तो इसमें पावरफुल 3300 mAh की बैटरी मिलने वाली है। बट इसमें ये कन्फर्म नहीं है कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा स्मार्टफोन या नहीं, तो ये तो आपको जब लॉन्च होगा स्मार्टफोन तब पता चलेगा। बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइस की तो एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो 20,000 रुपये के समथिंग बताई जा रही है, और ये स्मार्टफोन आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर वेरिएंट में देखने को मिल सकता है। इसके 4 से 5 जो कलर वेरिएंट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं इसकी लॉन्चिंग डेट की, तो इसकी लॉन्चिंग डेट जो है फिक्स हो चुकी है, 25 सितंबर को जो है ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा। इसके बाद ही जो भी फीचर निकल कर आएंगे वो मैं आपको जरूर इसके बारे में अपडेट बताता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी, मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी और आप उससे जो है सेटिस्फाई होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, आप हमें सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए, अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। हमारे साथ बने रहिए, बी हैप्पी इन योर लाइफ, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।